दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी रखने वाला आज हर एक शख्स अभिनेत्री रूपल त्यागी के बारे में जानता है। और भला जाने भी क्यों ना, क्योंकि यही तो वह ब्यूटीफुल अदाकारा है जिन्होंने सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल में गुंजन के बिंदास किरदार को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की चर्चाएं हो रही थी। तभी तो जब यह सीरियल ऑफ एयर हो रहा था तो दर्शक इन्हें पर्दे पर देखने की डिमांड कर रहे थे, और दर्शकों की इसी डिमांड को देखते हुए शो के मेकर इन्हें अलग अलग सीरियल्स में कास्ट करने का मन बना रहे थे। लेकिन अभिनेत्री ने ना जाने क्यों उन सीरियल्स को रिजेक्ट कर दिया, जो आगे जाकर इतने ज्यादा हिट हुए कि अगर रूपल त्यागी इन सीरियल्स में काम करती तो आज इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा होती। तभी तो कहा जाता है कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना चाहिए। फिर जो भी हो, चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वह सीरियल जिसे रूपल त्यागी ठुकरा चुकी हैं। नंबर वन, बेहद। साल 2016 में सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ शो बेहद आपको याद ही होगा, जिसमें जेनिफर विंगेट के माया वाले किरदार को जितना पसंद किया गया था, उतना ही अनेरी वजनी के सांझ वाले किरदार को भी पसंद किया गया। अगर हम आपसे यह कहें कि जिस सांझ के किरदार के लिए अभिनेत्री अनेरी काफी पॉपुलर हुई, वह किरदार इन्हें मिलने से पहले रूपल त्यागी को ऑफर हुआ था, तो आप शायद ही इस बात पर यकीन करेंगे। पर यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन अभिनेत्री रूपल त्यागी ने इसे एक सपोर्टिंग रोल समझकर रिजेक्ट कर दिया था, जो आगे जाकर इतना ज्यादा हिट हुआ जिसके बारे में आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नंबर टू, पुनर्विवाह। जी हाँ, आज जिस पुनर्विवाह सीरियल के लिए अभिनेत्री कृतिका सेंगर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं, वह किरदार इन्हें मिलने से पहले अभिनेत्री रूपल त्यागी को ऑफर हुआ था, पर अफसोस इन्हें यह सीरियल ठुकराना पड़ा। क्योंकि जब इन्हें पुनर्विवाह सीरियल के लिए मेकर ने कॉन्टेक्ट किया तो उससे पहले ही यह सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल प्रोजेक्ट को साइन कर चुकी थी, इसलिए इन्हें मजबूरन ये शो ठुकराना पड़ा। और इनके इसी रिजेक्शन के बाद अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने इस सीरियल में काम करने के लिए हामी भरी और खूब तारीफें भी बटोरी। नंबर थ्री, साथ निभाना साथिया। इस लिस्ट में एक नाम साथ निभाना साथिया 2 का भी शुमार होता है, जिसे अभिनेत्री रूपल त्यागी रिजेक्ट कर चुकी हैं। सुनकर ये बात आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी में डाल रही होगी, मगर यही सच्चाई है कि अभिनेत्री रूपल त्यागी को साथ निभाना साथिया में मुख्य अभिनेत्री कनक देसाई का किरदार ऑफर किया गया था, पर अभिनेत्री रूपल त्यागी सीरियल के लिए काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रही थी, जो कि सीरियल के मेकर देने से आनाकानी कर रहे थे, और इसी वजह से अभिनेत्री रूपल ने अपने दो कदम पीछे खींच लिए। नंबर चार, इश्क दा रंग सफेद। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में साल 2015 में कलर्स पर प्रसारित हुआ शो इश्क दा रंग सफेद आपने जरूर देखा होगा, जो कि धानी और विप्लव त्रिपाठी के प्रेम भरे दास्ता पर आधारित सीरियल था, जिसमें अभिनेत्री ईशा सिंह ने धानी का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। मगर हम आपसे ये कहें कि धानी के किरदार के लिए ईशा सिंह से पहले रूपल त्यागी को सिलेक्ट किया गया था, तो शायद ही आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे, मगर यकीन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सच्चाई है कि रूपल त्यागी को इस सीरियल के लिए चुना गया था। मगर अभिनेत्री रूपल त्यागी को इस सीरियल की स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं जमी, और इसलिए इन्होंने इस सीरियल को करने से साफ मना कर दिया। इनके इस सीरियल को ठुकराने के बाद यह सीरियल कितना पॉपुलर हुआ, यह तो आप अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर रूपल त्यागी इन सीरियल्स में से किसी सीरियल में काम करती तो वह कौन से सीरियल के लिए सबसे बेस्ट थी, आप हमें उस सीरियल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।